13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हद पार कर दी तुमने आज। अर्तुरुल छोड़ो इसे। अर्तुरुल, अर्तुरुल छोड़ दो इसे। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो जान से मार दो। मैं नहीं जानती कि तुम्हें सब में मुलविस हो या नहीं, तो इसलिए तुम कुछ दिन कबीले से दूर रहोगे। वालिदा ठीक कह रही हैं तुतकिन, तुम्हारे सिपाही बुरी तरह नाकाम हुए हैं अपनी जिम्मेदारी में, बुरी तरह नाकाम। अर्तुरुल भाई बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, वालिदा उन्हें माफ कर देंगी। वो कैसे कबीला बदल कर सकती है, वो भी उनके जख्मी हाथ के साथ, कैसे? आपने अर्तुरुल को अपने हाथों से जहन्नुम में फेंका है मखानम। हलीमा, तुम जानती भी हो कि किसके सामने और क्या बात कर रही हो। ये आप मुझे कह रहे हैं? आपने पूरे कबीले का बोझ अपने कांधों पर उठा रखा है हाइमा खातून। अगर अपनी सेहत चाहती हैं तो गमों से निजात हासिल करना होगी आपको। कहां से लाऊं वो दिल जो इस खमार गर्भ को बर्दाश्त कर सके। आप तो बहुत मजबूत हैं, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इस सफूफ को पानी में मिलाकर शरबत बना लीजिए, इससे बहुत जल्द अफाका होगा इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए मुझे, मैं चलता हूं आपके साथ। तमाम अदवियात समेट कर मतलब पहुंचाइए। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे अर्तुक भाई। ख्याल रखिए वालिदा का। आप गम और गर्भ वालिदा का साई की तरह पीछा कर रहे हैं, अल्लाह इनका साया हम पर हमेशा कायम रखे। आमीन। हमें अकेला नहीं छोड़िएगा वालिदा, हमें आपकी जरूरत है। कर रख दिया हमारे कबीले को तुमने, कितने ही सिपाही शहीद हो गए तुम्हारी वजह से हलीमा। अर्तुरुल की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब वालिदा के पीछे पड़ गई हो तुम। अगर हाइमा खानम को कुछ भी हुआ,
मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगी तुम। लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। ढूंढो उसे, मुझे वो हर सूरत चाहिए। ढूंढो। पहरे पे मौजूद एक एक सिपाही को सख्त से सख्त सजा दोगे तुम। समझ गए मेरी बात? अर्तुरुल हर वक्त मेरी निगाह में था। अब तो रहमान के फरार होने में उसका हाथ नहीं है। और उसके सिपाही? उसके सिपाही भी अपने खैमे में थे। वो खैमे से बाहर निकले ही नहीं सरदार। मेरे सिपाहियों की कड़ी निगाह थी। तो फिर वो फरार हुआ कैसे, बताओ मुझे। मेरे ख्याल से इस मामले के पीछे कोई और है। मुमकिन है कि किसी ने आपको और तूतुकिन को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया हो। कोई ऐसा जिससे आपका पुराना हिसाब किताब निकलता हो। और बदकिस्मती से वो कामयाब भी रहा। मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढने। तूतुकिन, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मामला बजाहिर जितना दिखता है उससे ज्यादा पेचीदा है। तुम कबीले में ही रहोगे। कुजाबाश, तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों को साथ लेकर उनकी तलाश में रवाना हो जाओ।
चाहे कुछ भी हो जाए, अर्तुरुल, उसके सिपाही और अब्दुल रहमान को ढूंढकर कबीले में वापस लाओ। जाओ लेकर आओ उन्हें, और उनके साथ किसी किस्म की नरमी मत बरतना। जैसा आपका हुक्म। अगर तुम इन्हें ढूंढने में नाकाम रहे तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना कुजाबाश। जाओ अब। तुम यही रुको, तुम दोनों मेरे साथ आओ। जब तक तुम्हारे खानदान को जहन्नम में झोंक नहीं देता मैं, हराम होगी मुझ पर मौत भी। चलो। एक मुआलिज को क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए? बहुत शुक्रिया आपका भाई। शुक्रिया तुराली का अदा करो। ये लो, ये पहन लो तुम, जल्दी करो। मगर आर्तुक भाई, ये तो औरतों के पहनने के कपड़े हैं, ये मैं कैसे पहन सकता हूं? दिन के उजाले में इसके अलावा राह फरार का कोई और तरीका है तो बताइए। देर मत कीजिए आप, पहन लीजिए इसे जल्दी। रहमान, अर्तुरुल और उनके सिपाही तुर्कुत और दुआन, उनमें से कोई एक भी नजर आए तो उन्हें फौरन कबीले में लेकर आओ।
और अगर वो तुम पे हमला करें तो उन्हें जान से मार देना। ये हुक्म दिया है सरदार ने। और मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम जाकर तैयारी करो, मैं आर्तुक भाई से मिलकर आता हूं। तुम बाहर जाओ तुराली, चारों तरफ नजर रखना। सवारी तैयार है अब्दुल रहमान, सीधा गेकली की तरफ जाना, तुराली घोड़े तक पहुंचा देगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह राजी हो आपसे। चलो अब जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम अर्तुक साहब। वालेकुम अस्सलाम कोजाबाश। खैरियत तो है? अब्दुर्रहमान का कैद से फरार हो जाना कैसे मुमकिन है जबकि उसकी लाश के आसार भी कहीं नहीं मिले? जब तक तुम जैसे सिपाहियों की तवज्जो अपने काम पर नहीं होगी तो और भी गद्दार फरार होंगे कोजाबाश। आपने जो वालिदा के लिए शरबत तजवीज किया था मैं वो लेने आई हूँ अर्तुक भाई। मैं तैयार कर देता हूँ सलजान खातून। तुम्हें कोई शय दरकार है कोजाबाश? नहीं मोहतरम, चलता हूँ मैं। परेशान क्यों होती है वालिदा? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस मुसीबत से भी निकल आएंगे हम। मेरे जानिसार, मेरे समझदार बेटे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ दुमरुल, आ जाओ। कोजाबाश अपने सिपाहियों के साथ हमारे सिपाहियों के पीछे गया है मखानम। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब्दुल रहमान के फरार होने के जिम्मेदार वो अर्तुरुल भाई को समझ रहे हैं। देखती हूँ उन्हें। वालिदा आप रुकिए, मैं बात करता हूँ मैं उसे। बस बहुत हो गया बेटा, मेरे बेटे के पीछे अपने सिपाहियों को क्यों भेजा इन्होंने? क्या मतलब है इस बात का जबकि मैंने खुद अपने बेटे को कबीला बद्र किया है? क्या जान लेना चाहते हैं उसकी? अर्तुरुल, कितने सिक्कों के बस खुद को बेचा है तुमने? मैं बेकसूर था अर्तुरुल, तुम्हारे भाई कुंदुकदू ने मेरा यकीन नहीं किया, मुझे गद्दार करार दे दिया। उसकी खातिर मैंने कितनी बार मौत का सामना किया मगर उसने क्या सिला दिया मुझे? उसे मैं अपने बाप की तरह समझता था मगर मेरा एतबार नहीं किया उसने। गुंदोगदू भाई के इस रवैये को गद्दारी का जवाब बना दिया तुमने। अर्तुरुल,
अफसोस करोगे अपने पैदा होने पर तुम। तीर चलाओ। आखिर ये कब तक चलेगा सरदार? दोनों ही कबीले इस दर्द का बोझ उठाने से कासर हैं। जल्द या बदेर अर्तुरुल की लगाई आग के शोलों में हम सब जलकर खाक हो जाएंगे। अर्तुरुल को हायमा ने जिला वतन कर दिया, वो जा चुका है। क्या पता ये हायमा का ही किया धरा हो। कहीं अपने हवास खो तो नहीं बैठी तुम आयतुलन? अगर वो अपने मरहूम शौहर के सिपाही को कुर्बान कर देती तो अपने सिपाहियों की निगाह में उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। मुमकिन है वो इस बात से खौफजदा हूं और इसीलिए खुद ही एक काम अंजाम दे दिया, अर्थरुल को कबीला बदर कर दिया ताकि हम सब खामोश हो जाएं। आपने अपने बेटे को कबीला बदल करके ये साबित कर दिया कि आप सही मायनों में काई कबीले की माँ हैं। मैंने तो अपना फर्ज बखूबी निभा दिया, लेकिन मेरे भाई ना तो मामू का रिश्ता निभा सके और ना ही अपनी सरदारी का फर्ज पूरा कर सके। कोरकुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कब और कैसे अपना फर्ज अंजाम देना है। बात सुनो आयतुलन, मेरे ही बाप के कबीले में सरदार की बीवी होने का ढोंग मेरे सामने मत रचाना। तो ये साबित हुआ कि हर भौंकता हुआ कुत्ता अपनी गली का शेर नहीं हुआ करता। इंशाअल्लाह हम जल्द इन मुश्किल अय्याम पर काबू पा लेंगे। ने अपने सिपाहियों को मेरे फर्जंद के ताकुब में भेजा, क्या समझा उसे आपने? कातिल या फिर गद्दार है मेरा बेटा?
आपको मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। इन हालात में क्या तवक्को कर सकती हो हायमा? बहैसियत सरदार क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि जिरगे के फैसले पर अमल दरामद कराऊं ताकि अमन कायम हो? हाँ, एक भाई को भाई के खिलाफ करके अमन अमान कायम करेंगे कबीले में। अगर वो इस मामले में मुलविस नहीं तो उन्हें मेरे सिपाहियों के साथ आने में कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए, और अगर वो अब्दुल रहमान को कैद से फरार कराने में मुलव्वस पाए गए तो रिवायात के मुताबिक उन्हें हर हाल में सजा भुगतनी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप भाई, बहुत बड़ी गलती। मेरी बात मलहूज खातिर रहे, अगर उन्हें कुछ हुआ तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्या हुआ बाबा? अपने सिपाही उन गद्दारों के पीछे भेजने की वजह से तुम्हारी फूफी नाराज हैं। हमने हमेशा आप लोगों का साथ दिया है फूफी जान। वो अब्दुल रहमान को भगा ले गए, आखिर कब तक आप इन गद्दारों को पालती रहेंगी? सोच समझ के बात करो तो तकिन, इस आग को मजीद ना भड़काओ। मामू जान, वालिदा, क्या हमने मिलकर फैसला नहीं किया था कि दोनों कबाइल एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे? मुत्तफिक थे हम इस बात पर, तो फिर इस सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि पहले ही आजमाइश में नाकाम हो रहे हैं। मोहतात रहने की जरूरत है हमें। कहा था फरजंद, बिल्कुल कहा था, लेकिन जब मैं खुद अपने फर्जंद को बेचारगी के आलम में कबीला बदर कर चुकी थी, फिर उसके पीछे सिपाही भेजने का क्या मतलब है? मैं पहले ही तुम लोगों की वजह से अपने कबीले को खतरों से दोचार कर चुका हूँ। तुम लोगों को अपनाया हमने, मगर अब मेरा सब्र तमाम हो चुका। वो आज या कल हर हाल में यहाँ वापस लाए जाएंगे। क्या बात है, तो फिर ढूंढ ले उन्हें। उम्मीद करता हूं कि तुम इस मामले में मुलविस नहीं होगी हायमा। खानम सब कुछ जानती है, लेकिन उन्होंने कबीले के अमन की खातिर खामोशी अख्तियार की हुई है। क्या कह सकते हैं? शाम बखैर। अर्तुरुल को जिला वतन करने का जो फैसला हायमा खानम ने किया है, उसके बाद
अब हमारे कबीले में अमन अमान बहाल हो जाएगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने देली दमीर? इन हालात में ऐसा होना मुमकिन नहीं। भूल है आपकी आयतुल्लाह खातून, जब हम ऐन हदफ हो मुश्किलात का तो महज कह देने से अमन अमान कायम नहीं हो जाता। एक हाथ से जंग की फतह का ख्वाब देखने वाले का क्या अंजाम हो सकता है? ऐसे कितने ही माहिर जंगजू मैदान जंग में जाकर खाक हो चुके हैं। जंग तलवार के जोर पर नहीं लड़ी जाती आयतुल्लाह खातून, उसके लिए दिल में ईमान चाहिए होता है। अर्तुरुल ने जो भी कहा उसके ईमान की ताकत है वो, लेकिन आपकी नाबीना आंखों, बहरे कानों और दिल पर लगी मोहर की वजह से आपको ये सब कुछ। बस कीजिए दिली तमीर, बस कीजिए। मेरे ख्याल से आपका काम फौलाद पिघलाकर तलवारों में ढालना है, लेकिन काश आप अपनी जबान को भी काबू कर सकते। अफसोस है। कितनी जहरीली है ये औरत। यकीनन शुबा है उसे, इसीलिए उकसा रही थी हमें। अपने अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहिए आप, बेहतर होगा कि एक साथ नजर ना आए हम। ठीक कहा आपने भाई, ठीक कहा। आखिर ये लोग कहाँ रह गए तुरकुत भाई? अर्तुरुल भाई ने कहा था वो हमारे बात पहुंचेंगे। तो आए क्यों नहीं अभी तक? कहीं अब्दुल रहमान को आजाद करवाते वक्त तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई? दुआन सब्र करो। सही कह रहे हैं आप तुरकुत भाई, माफी चाहता हूं। अब्दुल रहमान, ये तुम क्या बनकर आए हो अब्दुल रहमान भाई? पूरी औरत लग रहे हो। एक परिंदा उड़ता देखा जंगल में, जो रास्ता भूल गया था, उस परिंदे को पकड़कर गरीब खाने में ले आया। मुझे कोई शौक थोड़ी है ये कपड़े पहनने का, मजबूरी थी क्या करता। इंशाल्लाह मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इत्मीनान रखें वालिदा, परेशान क्यों होती हैं? अर्तुरुल को उनके सिपाही कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, ना ही अर्तुरुल को ना ही उसके जंगजुओं को। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ये बात कुंदोगदू, लेकिन मेरे फर्जंद के पीछे सिपाहियों को भेजना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कैसे उस फैसले पर अपना सर तस्लीम खम कर दूं जो कोरकोत भाई ने मेरे बेकसूर फर्जंद के बारे में किया है? अपने भेड़िए अर्तुरुल के ताकों में भेज दिए, क्या चाहते हैं वो आखिर उससे? जवाब दो मुझे, क्या चाहते हैं उससे? मैंने किस दिल से उससे कबीला बदर किया और क्या चाहते हैं मुझसे? जान ले लूं उसकी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वालिदा, लेकिन अर्तुरुल को मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने आप को खतरों और मुश्किलात से दूर रख ही नहीं सकता है। अगर ये काम उसका है तो फिर उसने अपने बाबा का और काई कबीले की आबरू का बेहतरीन इंतफा किया है। ये आप क्या कह रही हैं? क्या अर्तुरुल इन सब का जिम्मेदार नहीं? जो इसरार करता रहा कि ये जिरगे का फैसला और हमारी रिवायत का तकाजा है, और अब अचानक से जिरगा और रिवायत दोनों बेमाने हो गए, ये सब क्या है? मुझे ये पहले ही वाजे कर देना चाहिए था। जब हम यहाँ अपने भाई की कबीले में पना लेने पर मजबूर हुए थे, अपने भाई की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वालिदा रहने दो बेटा, अभी मुझे तन्हा छोड़ दो। आप
जमाल में कोई कमी रह गई है? नहीं आयतुल्लाह खातून, ताजर अफरासियाब के आने से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है। आज तुम्हारी आंखों की चमक से ही मालूम होता है कि कोई खुशखबरी है तुम्हारे पास। गोकचे मेरे साथ अर्ज़े रूम जाने पर रसामंद है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। उसके साथ रहने की कोशिश करो जब तक तुम दोनों एक नहीं हो जाते। आज शाम गोकचे को खाने पे बुलाओ, कहना बाबा और वालिदा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। समझ गए मेरी बात? जी समझ गया। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक अपनी भरपूर कोशिश करना कि हायमा खानम की दिल आजारी ना करो। कोकचे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान सिर्फ हायमा खानम का वजूद है जो इस रिश्ते में रुकावट बन सकता है। याद रखना मेरी बात, किसी ना किसी तरह से छुटकारा मिल ही जाएगा हमें अर्तुरुल से। वक्त आने पे हायमा खानम भी किनारे हो जाएंगी और फिर उसके बाद तो दुर्गा और काई कबीले पर कभी मुसीबत के बादल नहीं मंडलाएंगे और फिर तुम अपने बाबा के साथ दोनों कबीलों के सरपरस्त होगे। उसे जब तक काबू न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। क्या मुकद्दस रूहें यह चाहती हैं कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अर्तुल को जिंदा छोड़ दिया तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुकद्दस रूहें क्या कहती हैं उलुबिल जी? अर्तुरुल ने तो तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ दिया। शुक्र करो तुम जिंदा बच गए। इसे क्या हुआ है? ये क्या कर रहे हो उलुबिल जी? मुकद्दस रूहों से बातें। वो मुकद्दस रूहों का पैगाम जानना चाहता है। क्या पैगाम भेजा मुकद्दस रूह ने? अगर अर्तुरुल का सर कलम ना किया गया तो फिर ये जमीन उसकी हो जाएगी और उसकी नस्ल पूरी दुनिया पर हुक्मरान हो जाएगी।
उसका और उससे जुड़ी हुई हर शय का नामो निशान मिटा डालूंगा मैं। हर शय का। खुशामदीद अर्तुल भाई। क्या हुआ भाई? इसे उतारने में मदद करो मेरी। ये किसने किया भाई? तांगुत हमजा के साथ मिलकर मेरा पीछा कर रहा था। बदबخت कहीं का गद्दार है वो। हमारा पीछा भी किया था मंगोलों ने। मुझे यकीन है कि नौयान का कोई जासूस कबीले में है। हमारे हर कदम की खबर है उसे। यानी कुर्तोकलू की तरह नौयान के लिए जो घात हमने लगाई थी उसी घात में हम लोग फंस कर रह गए हैं भाई। आप पर हमले से साफ जाहिर होता है आप दुरुस्त हैं। गद्दार है कबीले में। जब तक वो गद्दार जिंदा है हम सुकून से नहीं रह सकते। क्या करना होगा भाई? अब हम कबीले में नहीं हैं और ना ही सिपाही रहे। हमारे पास जज्बा है और हमारी तेज तलवार। या शहीद हो जाएंगे या इन जालिमों के सरदन से जुदा कर देंगे। आपके हमरा जाम शहादत नोश करना हमारे लिए एहसास होगा। तो फिर जान लो आज के बाद हम उन वैश्यों से वही सलूक रवा रखेंगे जिसके वो हकदार हैं। ऐसा ही होगा भाई। कबीले का इत्तेहाद अर्तुरुल का मोहताज नहीं है मामूजा। आयतोलन खातू, एक तरफ तो मेरे भाई गुंदोगदू को अपने तरफदार बनाना चाहती हैं और दूसरी जानिब तूतकिन और गोकचे का निकाह करवाना चाहती हैं। दोनों कबीलों के दरमियान बढ़ते मसाइल इन दोनों बच्चों का निकाह हो जाने से हल हो जाएंगे। मेरे शौहर के कबीले में तुम्हारी हैसियत एक पनाहगुज़ीन की सी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे शौहर के खेमे में तुम्हारी औकात है। तुम्हारा किरदार और तुम्हारा ये वजूद सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सल्तनत। बर्बाद कर दिया है तुमने।